और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अपने मुद्दा आज का, और इस पे आज हमारा विषय है साइबर क्राइम और युवा पीढ़ी। तो ओम प्रकाश जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि साइबर स्टॉकिंग भी हम बहुत बार सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स में आता है, तो साइबर स्टॉकिंग क्या है? साइबर स्टॉकिंग एक साइबर क्राइम की कैटेगरी है और आजकल जैसे आपने कहा कि बहुत कॉमन हो गई है। इसमें क्या होता है कि स्टॉकिंग का अगर हम लिटरल मीनिंग या उसका मायना अगर समझें तो उसका मतलब है पीछा करना। तो स्टॉकिंग जैसे अगर हम एक तो फिजिकली कोई पीछा करता है किसी का, यूजुअली जो है हम देख रहे हैं कि हमारे फीमेल्स के लिए ऐसा सुनने में बहुत बार आया है। और दूसरा तरीका ये होता है कि साइबर के जरिए स्टॉकिंग करते हैं, या तो सोशल साइट में आपका जैसे कोई अकाउंट है किसी का, लेडी का या किसी का भी कोई अकाउंट है, तो बार बार कोई आदमी जो है उससे उस पर मैसेज भेज रहा है या मोबाइल पे मैसेज भेज रहा है उसको। और जब भी को लॉगिन को आईडी आता है, लॉगिन करता है तो उसको मैसेज आता है, तो वो कोई ना कोई उसको मॉनिटर कर रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है और बार बार उसको परेशान कर रहा है। तो उससे बड़ा हैरेसमेंट होता है और कई बार ये बहुत ही एक्सट्रीम केस भी हो जाता है कि किसी पे कोई निगरानी रख रहा है, स्पेशली जो है हमारे फीमेल्स हैं उन पर कोई निगरानी रख रहा है, और वो जैसे कहीं बाहर जा रही हैं तो उनको पता चल रहा है कि इस टाइम पे। और बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, जीपीएस है जैसे, तो जीपीएस के जरिए पता चल रहा है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये स्टॉकिंग इस तरह से जो है बहुत ही एक न्यूसेंस हो गया है आजकल के जी टाइम में। सुधीर मिश्रा जी, साइबर क्राइम के अंतर्गत और कौन-कौन से अपराध आते हैं? देखिए, अभी कुछ समय पहले मैं एक वर्कशॉप में गया था, तो मुझे वहाँ पुणे के ही एक दो केस बताए गए कि वाइफ हस्बैंड वाइफ के पास हस्बैंड के पास वाइफ का फ़ोन आया कि मैं यहाँ किसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ और तुम तुरंत आओ। हस्बैंड घर से बाहर निकला और बाहर उसे किसी ने गोली मार दी, मर्डर कर दिया। बाद में पता चला वो फ़ोन उसकी वाइफ का था ही नहीं, लेकिन उसके वाइफ के नंबर से ही आया था और उसके वाइफ ने किसी को फ़ोन दिया भी नहीं था। तो ये भी हो रहा है कि लोगों का नंबर हैक करके और या सिम कॉपी करके कैसे भी, मतलब किस तरह का, इस तरह के अपराध भी हो रहे हैं कि कॉल नहीं, मतलब रेगुलर उस नंबर से नहीं की जाती है तब भी पता चलता है कि उस नंबर से कॉल आ रहा है। तो ये बड़े खतरनाक किस्म के अपराध लोग इसमें भी ये चीज़ें भी कर रहे हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पे जैसे अभी आपने हैरेसमेंट की बात बताई, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग तरह तरह के मैसेज देते हैं, अगर आपने कोई बात लिखी तो उसके जवाब में गालियां लिखने लगते हैं और आप बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो मुझे लगता है उसका तो एक उपाय ये होता है कि हम उन्हें ब्लॉक कर दें, हम उनको रिपोर्ट भी करें कि वो अब्यूज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसे जरिए हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना बहुत चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। फ़ोन पर मिलने वाली जानकारियों को, सोशल मीडिया वाली पे जो आ रही इन्फॉर्मेशंस हैं, उन्हें हमें अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए जब तक कि फिजिकली हम उसको वेरीफाई ना कर लें। साइबर अपराध में हमारी जब इस तरह से रिपोर्टिंग होती है तो हमारी प्रशासन और हमारी पुलिस कितना तैयार रहती है? इसके लिए तो मुझे जो पर्सनल तजुर्बा है, तो मेरे साथ भी बस साइबर क्राइम हो चुका है। जैसे अनऑथराइज एक्सेस हो गया था मेरे क्रेडिट कार्ड पे, तो मैंने बैंक को जब रिपोर्ट किया तो मुझे बताया गया कि सबसे पहले तो आपको पुलिस में एक एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। तो मैं जब पुलिस स्टेशन गया अपने पूना में, मैं पूना का निवासी हूँ, तो पूना में जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे एक साइबर सेल अलग से है। तो वहाँ के ऑफिसर को मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दे दी और इमीडिएटली जो है निदान हो गया इसका। उसके बाद मैंने बैंक को रिपोर्ट किया। तो जैसे कि आपने बोला कि जानकारी होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है आजकल के ज़माने में। जैसे अभी डिजिटल इंडिया का मूव भी चल रहा है, तो डिजिटल इरा में हम लोग हैं, तो उसकी जानकारी हासिल करना बहुत आवश्यक है। और मेरी जानकारी के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से पुलिस बहुत ही ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, अग्रसर है या स्मार्ट है इस मामले में। कि साइबर सेल काफ़ी पुलिस स्टेशन पे मैंने खुद देखा है कि अवेलेबल है। और इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड ये करना चाहूँगा कि जैसे कोई नॉन साइबर क्राइम है, जैसे स्टीलिंग हो गया या अटैक हो गया, तो उसका जुरिस्डिक्शन जो है उसी पुलिस स्टेशन पे आता है। फॉर एग्जांपल, अज्यूम करेंगे हजरतगंज में मैं कुछ कुछ क्राइम हो गया, तो वो जब हम रिपोर्टिंग करेंगे तो वो हजरतगंज पुलिस स्टेशन में करेंगे। अगर हम कहीं और अलीगंज में चले गए तो वहाँ के जो अफसर हैं हमको ये बोलेंगे कि आपको हजरतगंज में जाकर रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये क्राइम जो है हजरतगंज में हुआ। लेकिन साइबर क्राइम में ऐसा है कि आप कहीं भी, क्योंकि उसका इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन होता है, तो अगर आप समझते हैं कि आप उस समय जो है एटीएम आप कर रहे थे, तो वहाँ पे जो क्राइम हो गया, कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हो गया उस पर्टिकुलर हजरतगंज के एटीएम में, और अब उसके बाद आप पुणे चले गए या किसी और सिटी या कहीं और चले गए, तो
उसमें साइबर क्राइम में ऐसा नहीं कि आपको फिर पलट के वहीं पुलिस स्टेशन में ही आना पड़ेगा, आप कहीं भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन होता है और जी उसका रिपोर्टिंग, तो मेरे हिसाब से तो भारत का कानून जो है बहुत ही एडवांस है इस मामले में, और मुझे जान के काफ़ी ओम प्रकाश खुशी। जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूँगा। हाँ जी कुछ फ़ोन कॉल्स आते हैं जो कि आपके बैंक का अकाउंट पूछते हैं, आपका आधार नंबर पूछते हैं, कहते हैं आपका, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, और ये, और अगर आप उन्हें पहचान जाते हैं कि ये फ्रॉड है, तो आप जैसे ही कुछ कहते हैं हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तो फिर वो गाली बकना शुरू करते हैं। और इवन मैंने कई पुलिस ऑफिसर्स को भी सुनाया, हमने कहा आप ही बात कर लो, उनको भी गालियाँ दे दी। वो बैठे हैं झारखंड में, लोग जो नक्सली बेल्ट है वहाँ बैठे हैं, या कश्मीर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। आज तक उनके ऊपर कोई, मतलब उनके उनके खिलाफ कोई एक्शन हो ही नहीं पा रहा है, और वो लोग लोगों को लगातार रोज हजारों की तादाद में कॉल करते होंगे, कुछ लोग तो फंसते ही होंगे उसमें। तो उसके लिए मैं बस ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे आप, हमारा फ़ोन है, तो जी उस समय लाइक करीब 4-5 साल पहले मैं IBM में जब काम करता था, तो मैं वोडाफोन का अकाउंट में देखता था। तो इस हिसाब से मुझे ये पता है कि अब जितने भी मेजर जो टेली कम्युनिकेशन, जैसे जियो फोन हो गया, रिलायंस था पहले, जियो हो गया, वोडाफोन, आइडिया, अब धीरे धीरे सब IT के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो सारा जो कंट्रोलिंग है ना, वो इन्फॉर्मेशन सर्वर्स होते हैं, बहुत कंप्यूटर सर्वर्स होते हैं, उसके जरिए सब कुछ होता है। पहले तो क्या था कि फिजिकल, कुछ 10 साल पहले, 15 साल पहले काफ़ी फिजिकल रहता था, नॉन कंप्यूटराइज जो ऑपरेशन होती थी, मगर अब सब कुछ जो है कंप्यूटराइज ऑपरेशन हो रही है। अब जैसे आपने कहा कि झारखंड से किसी ने या कहीं से किसी ने कॉल किया है, फ्रॉडुलेंट कॉल किया है, तो जैसे आपके लैपटॉप पे या आपके मोबाइल फ़ोन, अगर स्मार्टफोन है, तो उसका एक यूनिक नेटवर्क एड्रेस रहता है, जी जिसको हम NIC नंबर कहते हैं। तो जब अगर हम इसकी जानकारी हासिल करें, हम बहुत इन्वेस्टिगेट करें, तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो है इस NIC नंबर से आया है। और अगर हम उसमें साथ में और GPS और भी टेक्नोलॉजीज़ अगर हम ऐड कर दें, तो हमको ये आइडिया हो सकता है कि ये इस एरिया से ये फ़ोन किया गया है। नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी लेकिन पुलिस जा ही नहीं रही है उन इलाकों में, एक्शन नहीं कर रही, मैं ये बता रहा हूँ, ये जी लगातार चल रहा है। अच्छा, सुधीर जी, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो जैसे साइबर अपराध होता है, तो क्या इसके लिए हम ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं? हाँ, मेरे क्या किसी की नजर ना लगे, मेरे को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ, सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ऐप कोई लॉन्च हुआ है, और मेरे पास भी उसकी जानकारी ऑफिसर्स ने भेजी है कि आप उसके जरिए आप बता सकते हैं। इसके अलावा अभी ओम प्रकाश जी ने भी मुझे बताया कि और भी ऐप हैं जिनको ऐप के जरिए आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसा ऐप जैसे साइबर क्राइम ऑनलाइन हेल्प, ये ऐप आपको आमतौर पर मिल जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये आपने स्मार्टफोन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपको पता चले कि नहीं, कहीं एक जगह, कहीं जैसे पोर्नोग्राफी एक है, हमें कॉमनली बहुत, जैसा हमें कहीं पता चल रहा है कि फलाना वेबसाइट में ये है, तो हम अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने युवा पीढ़ी की सुरक्षा अगर हम चाहते हैं, तो हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं इस ऐप के जरिए कि फलाना साइट पे ऐसे खराब अश्लील इमेजेस आ रही हैं, तो इसको प्रिवेंट किया जाए। साइबर तो क्राइम जी ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन ऐप ऐप आता है, तो उससे हम रजिस्टर भी कर सकते हैं। और अगर आपके खिलाफ भी, मान लीजिए कोई साइबर, कोई फ्रॉड हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, ट्रांजेक्शन कुछ ऐसा चला गया, तो आप उस ऐप के जरिए रिपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिजिकली जाके साइबर सेल में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। सुधीर जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, लेकिन हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, और उसके बाद भी जब हम हेल्प डेस्क पे बात करते हैं हमारे बैंक से, तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि ये हमारी जानकारी में नहीं है और इसके लिए आपको FIR करनी पड़ेगी। और जो एक हम सबकी मानसिकता होती है कि हम लोग थोड़ा पुलिस से मदद लेने में घबराते हैं, तो किस तरह हम अप्रोच कर सकते हैं और लोगों की जो झिझक है उसको खत्म कर सकते हैं? देखिए, अगर बैंक से संबंधित कोई भी किसी भी किस्म का फ्रॉड हुआ, और अभी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हुए, ATMs के जरिए हुए और ऑनलाइन भी हुए हैं, उसका सबसे जरूरी काम तो ये है कि 3 दिन के भीतर अगर आप बैंक को इन्फॉर्म कर देते हो, तो आपका पैसे का नुकसान बच जाता है। फिर आपको पुलिस में रिपोर्ट तो करनी है, लेकिन उससे पहले बैंक को जरूर इन्फॉर्म करिए। और तरीका ये है कि अब तो सारी रिकॉर्डिंग भी है, या आप ऑनलाइन भेज रहे हो या मेल कर रहे हो, तो आप स्क्रीनशॉट रखो, मेल का रिकॉर्ड रखो, फोन की रिकॉर्डिंग रखो, ताकि आपके पास प्रमाण रहे हर चीज का कि हमने ये कंप्लेंट की है।
बैंक को 3 दिन के अंदर आपने बताया, फिर आपने पुलिस को FIR किया। मैंने अभी देखा कि ज़्यादातर मामलों में लोगों का पैसा वापस मिल गया जी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हमें अवेयर रहना पड़ेगा, जैसे ही इस बात का हमें पता चले हमें तुरंत बैंक को जरूर इन्फॉर्म करना है और पुलिस थाने को भी जरूर इन्फॉर्म करना है। अब ओम प्रकाश जी, हम आपसे पूछेंगे कि पेरेंट्स किस तरह बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि जब वो इंटरनेट का इस्तेमाल करें या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो वो बहुत सतर्कता से उसका इस्तेमाल करें। ये जैसे लॉ है तो लॉ बेसिकली क्या है, कॉमन सेंस है। तो हमें ये पता है कि कोई कौन सी चीज़ गलत है कौन सी चीज़ सही है, चाहे वो ऑर्डनरी कोई क्राइम हो चाहे वो साइबर क्राइम हो। तो पेरेंट्स ये हिदायत दे सकते हैं युवा पीढ़ी को कि जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो, जो अपने कॉमन सेंस के हिसाब से। अगर किसी के खिलाफ तुम कुछ बोल रहे हो कोई कोई जिसका बेस नहीं है तो वो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और जैसे मिश्रा जी ने बताया कि जो जो हमारे जो सोशल वेबसाइट्स हैं, जो सोशल आपके ऐप्स हैं, वो पॉजिटिव भी उसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो पेरेंट्स का ये दायित्व है कि अपने बच्चों को ये बताएं, अपने युवा को बताएं कि कौन सी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं, कौन सी चीज़ें जिनसे बचें जो नेगेटिव हैं। और बहुत से ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव हैं जो कानून की नज़र से बहुत ही जघन्य अपराध भी है, जिसमें जैसे अगर हम IT एक्ट देखें तो 10 साल की जेल की सज़ा भी उसमें प्रिस्क्राइब्ड है जी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सेक्शन 67 में अगर आप देखें IT एक्ट के, तो उसमें किसी क्राइम में जैसे ऑब्सीना किसी के लिए कोई लिखता है या बोलता है तो उसके लिए अगर एक इंस्टेंस होता है या सेकेंड इंस्टेंस में तो 10 साल की भी है। तो ये एक दायित्व पेरेंट्स का भी है कि उनको बताएं कि कौन सी जो है चीज़ करनी है सोशल साइट के जरिए, कौन सी नहीं करनी है। और अभी तो ये जो सोशल साइट्स हैं बहुत नई हैं, अभी ऐसे हमने खुद पढ़ा जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए काफ़ी आपके जो जो प्राइवेसी में भी दखल होती है, दखलंदाजी होती है। आपने बहुत सारे फ़ोटोज़ पब्लिश किए तो वो पब्लिक हो जाते हैं, आपको लगा कि नहीं ये पब्लिक नहीं है। और अगर आप फेसबुक के बहुत एक्टिव यूज़र्स हैं तो उसकी पॉलिसी आप पहले जान लें कि कैसे उसको यूज़ करना है, किनको आपको शेयर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ पब्लिश करते हैं तो वो सबको ही दिखती है। अभी मैंने किसी का सर्च किया और हम फेसबुक में है या व्हाट्सएप में है, कुछ हमने सर्च किया तो उसकी सारी जानकारी आएगी। और वो नहीं चाहता फॉर एग्जांपल कि वो नहीं चाहता कि हम ऐसा पब्लिश करें, तो वो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको जान लें। और ये चीज़ें जो हैं पेरेंट्स का दायित्व ज़्यादा, क्योंकि वो सीनियर हैं, ज़्यादा मैच्योर हैं, उनको ज़्यादा पता है, तो अपना थोड़ा गाइड कर सकते हैं। प्राइवेसी सेटिंग्स डाल सकते हैं और इसके साथ ही हम कोशिश करें कि बच्चों को गाइड करें कि जिनको आप नहीं जानते हैं आप उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में बिल्कुल भी ऐड ना करें। जी, और वाकई हम सब लोग दोस्त बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने भारत जैसी पावन भूमि पर जन्म लिया। और इसके साथ ही हम बहुत सारे धार्मिक पर्व मनाते हैं जिनमें से एक है महाकुंभ, जिसमें पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए और आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। और इस बार इसका आयोजन संगम नगरी यानी प्रयागराज में किया जा रहा है 15 जनवरी से 4 मार्च तक। तो क्या कुछ खास है इस बार इस आयोजन में, आइए देखते हैं इसकी एक झलक। दूरदर्शन महानिदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक श्री पी.के. सुभाष कुंभ मेले के पूर्वावलोकन के लिए प्रयागराज आए और कुंभ मेले की तैयारी का जायजा लिया। दूरदर्शन प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले का सजीव प्रसारण प्रारंभ से अंत तक दिखाने के लिए अपनी पूरी तैयारियां कर चुका है। प्रयागराज कुंभ स्थल का पूरा निरीक्षण करने के उपरांत उच्चाधिकारियों ने DIG कुंभ मेला श्री कविंद्र प्रताप सिंह के साथ बैठकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज के सभा कक्ष में बैठकर मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।
और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम और युवा पीढ़ी पर। और अब हम आपसे पूछेंगे सुधीर जी कि किस तरह पुलिस प्रशासन मदद कर रही है लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए और साइबर क्राइम से लोगों को सतर्क करने के लिए। देखिए, अभी कल उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें ये कि अगर आपके साथ कोई साइबर अपराध होता है तो आप उसमें पूरा अपना डेटा डालिए, जानकारी दीजिए, वो उसका समाधान करेंगे। एक तो यही है। दूसरा, खासतौर से लड़कियों के लिए 1090 है जो उनके साथ होने वाले किसी भी किस्म के अपराध के लिए है, लेकिन वो साइबर क्राइम के लिए भी है। अगर कोई आपको उस पर परेशान कर रहा है तो वो भी आप उस पर जानकारियाँ दे सकते हैं। इसके अलावा साइबर थाने भी बनाए गए हैं कुछ जगहों पर, जहाँ पर स्पेशली इसी तरह के अपराधों से के मामले दर्ज करने की व्यवस्था है। पुलिस में बहुत तेज़ी से सुधार के कार्यक्रम चल रहे हैं कि लोग कैसे जानकारियाँ हों, पुलिस वालों की जानकारियाँ कैसे बेहतर हों, उनके ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रोग्राम पुलिस चला रही है, पिछले काफ़ी समय से चला रही है। इसके अलावा अपराधों को रोकने के में भी साइबर का इस्तेमाल होता है। एक तो साइबर क्राइम होता है, दूसरा इंटरनेट और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल, जो साइबर डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल अपराधों को रोकने के लिए भी किया जा रहा है। तो CCTV कैमरेज लगे हुए हैं तमाम जगहों पर, आप देखती हैं कि आप एयरपोर्ट जाएं या रेलवे स्टेशन जाएं तो वहां पर आपकी जो चेकिंग होती है वो भी डिजिटल चेकिंग होती है। कई बार आदमी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी हो जाती है कि आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ले जा रहे हैं जो नुकसान करे यात्रियों को, दूसरे लोगों को परेशान करे। और जो ये कैमरे लगाए गए हैं, एक लखनऊ की अगर बात करें तो एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है गोमती नगर में, वहाँ से वहाँ पे सारे जो लखनऊ में कैमरे लगे हैं उन वो कहाँ कहाँ पे नज़र रख रहे हैं उसका एक मॉनिटर है, और वहाँ पे बैठ के पुलिस देखती है कि कहीं कोई अपराध तो नहीं हो रहा, खासतौर से ट्रैफिक के मामले में कहीं लोग ट्रैफिक रूल्स को तो नहीं ब्रेक कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद में अभी शुरू हो रहा है और अभी मेरे ख्याल से थोड़ा शुरुआती है वो कि जो लखनऊ के अंदर कि जो ई चालान होगा, अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा तो आपका ई चालान होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके घर एक नोटिस पहुंच जाएगा अगर आप ट्रिपल सवारी हैं, आपने गलत जगह पे पार्किंग किया, कुछ किया। तो ये सारी चीजें पुलिस कर रही है, बहुत ही अच्छी पहल है जो हमारी पुलिस प्रशासन कर रही है। और ओम प्रकाश जी, हम पूछना चाहेंगे कि सोशल मीडिया अपनी क्या भूमिका निभा रही है लोगों को जागरूक करने के लिए। सोशल मीडिया में जैसे ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर है, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले तो क्या होता था कि डिफॉल्ट में जो भी आपने कुछ पब्लिश कर दिया तो वो सबको पब्लिकली वो हो जाता था और प्राइवेसी पे काफ़ी जो है इंटरफेरेंस होता था। तो सोशल मीडिया में अब जैसे सॉफ्टवेयर में काफ़ी चेंजेस आए हैं, व्हाट्सएप में हम देखते हैं कि कितने सारे चेंजेस आए हैं, हम अपना स्टेटस जो है हाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है सोशल मीडिया की, और सॉफ्टवेयर में चेंजेस, वर्जन में चेंजेस जो आए हैं इससे उन्होंने काफ़ी अपग्रेडेशन किया है। ओम प्रकाश जी, कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स भी हमें गाइड करते हैं, पर क्योंकि युवा हैं और खासकर अगर हम बात करें लड़कियों की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो डर जाती हैं या खुलकर अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती हैं। सो ऐसे में किस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं या इन सारी चीज़ों के लिए क्या कोई स्पेशल सेल बनाया गया है? देखिए, अगर जहाँ तक बच्चियों के डर की बात है तो ये इसमें परिवारों के संस्कार बहुत मायने रखते हैं कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के साथ कितने घुले मिले हैं, उनको उनके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं या नहीं करते हैं। खासतौर से इस युग में जब इंटरनेट इतना ज़्यादा घर घर में उसकी दखल है तो बच्चों के प्रति जो माँ बाप का नज़रिया है वो बदलना ही होगा। पहले जैसे रूल करने का एक वो होता था ना कि बच्चे हैं तो हम उनको मतलब हमने जो कहा वही सही है, बहुत सारी बातें हैं जो अभिभावकों को मालूम ही नहीं है, पेरेंट्स जानते ही नहीं है। सोशल मीडिया का जितना इस्तेमाल और डिजिटल टेक्नोलॉजी को जितना बेहतर बच्चे जानते हैं उतना वो जानते नहीं है। तो ऐसे समय में पूरी अप्रोच बदलनी चाहिए और बच्चों के साथ शेयरिंग बहुत होनी चाहिए। स्कूल में टीचर्स की शेयरिंग बहुत होनी चाहिए अपने बच्चों के साथ में। कई बार घर पे बच्चे नहीं बताते हैं लेकिन अपने टीचर्स के साथ शेयर करते हैं, तो टीचर्स के साथ में बच्चों का अच्छा संबंध होना चाहिए। जो दोस्त हैं आपस में, दोस्तों को भी, युवाओं को भी एक दूसरे पे नज़र रखनी चाहिए कि कोई हमारा साथी परेशान तो नहीं है, कोई उसको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है। और बच्चों को हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए युवाओं को कि उनके माँ बाप से बड़ा उनका शुभचिंतक कोई नहीं होता, और वो कैसी भी उनसे गलती हुई हो वो हमेशा उनको माफ़ करते हैं, तो वो डरे नहीं।
वो जरूर अपने पेरेंट्स के साथ में अपनी गलती हो गई हो तो उसे भी शेयर करें, या कोई परेशान कर रहा हो तो उसे भी शेयर करें। जी, और इसके लिए देखिए हमारे स्कूल्स में भी अभी हो गया है कि साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, बट अभी भी हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को काउंसिल के लिए नहीं करते हैं, उनको परमिशन नहीं देते हैं। इसके लिए हमें किस तरह पेरेंट्स को समझाना चाहिए, या एक अभिभावक होकर हमें ये बात किस हद तक समझनी चाहिए? एक जैसे जब यूजर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है सोशल मीडिया पे, तो वो भी एक एडिक्शन सा है, और उसमें युवा पीढ़ी काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगे हैं जैसे, तो एडिक्शन से बचने के लिए हम पेरेंट्स को हिदायत देनी चाहिए। वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है कि हम अपना काम छोड़ के ना हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हैं, तो पेरेंट्स समझा सकते हैं अपने बच्चों को कि इससे थोड़ा सा अवॉइड करें। जहाँ एक प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए कि हमें कितना यूसेज है, कितना हमें करना है उसके यूसेज, तो उस हिसाब से मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी, और सुधीर जी हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आज सारे वर्किंग है और हमें वक्त नहीं मिलता बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का और उनकी बातों को जानने का, तो किस तरह हम अपनी लाइफ में और बच्चों के लिए वक्त निकाल सकते हैं? देखिए, बच्चों के लिए कई बार तो होता है हम वक्त निकाल सकते हैं, और कई बार हो सकता है बच्चों पर हम नज़र भी रख सकते हैं, सभी पे अपने घर पे नज़र रख सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। घरों में कैमरों का सिस्टम है, मैं तो देखता हूँ दुनिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज दुकानें सब वो लोग एक जगह से बैठ कर ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम अपने घर को भी देख सकते हैं। जैसे कई बार वर्किंग पेरेंट्स हैं और बच्चे घर पर अकेले हैं, तो और उनकी देखभाल के लिए मेट है घर पे, तो हमें घर में कैमरा रखना चाहिए और हम अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। बहुत आसान टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल क्राइम से बचने के लिए। दूसरा ये कि कई बार बच्चों को नहीं मालूम है कि आपका ये लैपटॉप है जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और हम ऑन छोड़ देते हैं और उसके बाद घर में हम घर की तरह रहते हैं, तो कई बार वो चीज़ें हमारे लिए परेशानी का सबब बनती हैं। तो ये जो छोटे छोटे सिक्योरिटी की बातें हैं कि हम फ़ोन कैसे इस्तेमाल करें, हम लैपटॉप कैसे इस्तेमाल करें, लैपटॉप एक घर में, अभी तो मोबाइल में ऐसे ऐसे ऐप आ गए, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो क्रिमिनल इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो भेज देंगे आपको एक व्हाट्सएप या कोई संदेश भेजा और आपने खोल के देखा कुछ है ही नहीं, और बाद में पता चलता है कि आपका फ़ोन एक माइक्रोफोन में तब्दील हो चुका है, आप जो भी बातें कर रहे हैं वो कहीं और बैठा व्यक्ति सुन रहा है। ये जासूसी में इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेशनल जासूसी में ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें। तो फ़ोन को थोड़ा बंद रखना सीखें, इंटरनेट को ऑफ करना सीखें, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी आदतों में लानी चाहिए। हमें कितनी देर इस्तेमाल करना है और कितनी देर नहीं करना है, कितनी देर इसको सिर्फ फ़ोन की तरह इस्तेमाल करना है और कितने दिन इसको इंटरनेट के साथ इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए। हम आपसे पूछना चाहेंगे ओम प्रकाश जी कि हम साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं? काफ़ी चीज़ें तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, जैसे मिश्रा जी ने बताया कि जब हम फ़ोन जो है वहीं इस्तेमाल करें जहां उसका यूसेज हो, अननेसेसरीली जो है उसका इस्तेमाल ना करें, उसको ऑफ कर दें। कई बार जैसे एक माइक्रोफोन की तरह यूज़ हो सकता है, या जैसे लैपटॉप में आपका कैमरा है तो वो ऑन रह सकता है, तो एक तो ये हो गया कि हम थोड़ा सा केयरफुल रहें, एहतियात बरतें। दूसरी चीज़ यह है कि एक पासवर्ड बहुत अहम है ना, किसी भी जैसे सोशल साइट पे हम लॉगिन करते हैं अपना ईमेल अकाउंट पे या ऑनलाइन बैंकिंग पे हम जब लॉगिन करते हैं तो हम यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करते हैं, तो पासवर्ड चेंज करना चाहिए फ्रीक्वेंटली, जैसे हर महीने एक बार चेंज कर दिया पासवर्ड, तो इससे काफ़ी सुरक्षा मिल सकती है कि अगर हैकर ने अगर पासवर्ड आपका सेंस कर भी लिया और आपने जो है टाइम टू टाइम अगर आपने चेंज किया हुआ तो उससे आपकी बचत हो सकती है। तो एक तो यह है कि आप पासवर्ड जरूर चेंज करें, और इसके साथ ही कभी मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे पासवर्ड चेंज करने के बाद लोग भूल जाते हैं जी। अगर स्पेशली आपने अगर सिंपल पासवर्ड रखा तो वो तो याद रहता है, और रिकमेंडेशन ये भी है कि सिंपल पासवर्ड ना रखें क्योंकि हैकर इजीली सेंस कर लेता है, तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखा है तो उसको मेमोराइज जरूर कर लें। अगर मेमोराइज जैसे आपको डिफिकल्टी नहीं हो सकता हम भूल जाओ इतने सारे पासवर्ड पढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप कहीं पे सेफली उसको नोट करके कहीं आप उसको प्रिजर्व कर लें, जैसे किसी नोटबुक पे लिख लिया या कहीं एक्सेल शीट बना ली उस पर पासवर्ड रख के वहाँ पे आपने सारे पासवर्ड्स नोट कर लिए। बैंक का पासवर्ड है तो ऑनलाइन ईमेल्स के बहुत सारे ईमेल्स अब हो गए हैं, 4-5 ईमेल, ऑफिशियल ईमेल हो गया, आपके जितने बैंक्स हैं उसके पासवर्ड हो गए, तो एक आप एक्सेल शीट बना सकते हैं
उस पर आप नोट कर सकते हैं मेमोराइज के लिए, और एक्सेल शीट में इटसेल्फ हम पासवर्ड देके उसको भी, तो उसमें क्या है कि हमको खाली एक ही पासवर्ड फिर याद रखना है जी। मुझे एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि लोगों को अपनी जो बातचीत व्यवहार और जो जो अपना बिहेवियर है उसे बहुत ट्रांसपेरेंट करना होगा, क्योंकि क्या चीज़ है, प्राइवेसी अब कुछ रही नहीं है। तो लोग जो फ़ोन पे बात करते हैं, चुपके से बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उसमें उन्हें वैसे ही बात करना चाहिए जैसे वो सार्वजनिक क्षेत्र में कर रहे हैं या पब्लिक के बीच में कर रहे हैं, क्योंकि वो कौन कौन देख रहा है आपको मालूम नहीं। आपको लग रहा है कि आप दो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात रिकॉर्ड हो सकती है, वो बात कहीं शेयर की जा सकती है, वो स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं और वो पब्लिक किए जा सकते हैं। तो जो हमारी व्यक्तिगत बातचीतें हैं उसमें हमें बहुत संयत रहना चाहिए, संस्कारित रहना चाहिए, हम कोई ऐसी बात ना करें जो बाद में हमारे लिए मुसीबत बने। और जैसे कि अभी ओम प्रकाश जी ने बताया कि हम एक एक्सेल शीट बना सकते हैं और अपने पासवर्ड सेव कर सकते हैं, पर अगर हम बात करें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की, मेरा बार बार ध्यान उस पर इसीलिए जा रहा है क्योंकि अभी भी हमारे आधे से ज़्यादा जनसंख्या वहीं पर रहती है, और अभी भी जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है लेकिन अभी भी अगर हम जानकारी कहें तो उनको काफ़ी कम है। तो उनको ये सारी जानकारी हो, या अगर कोई इसका और तरीका है कि हम कहीं पासवर्ड अपना सुरक्षित रख सकते हैं, या इसके लिए अगर कोई ट्रेनिंग दी जाती है उनको कंप्यूटर पे काम करने की, तो क्या कुछ ऐसा प्रावधान चल रहा है? मेरे ख्याल से सरकार के लेवल पर हर जगह इस तरह की जानकारियां दी जा रही हैं। बैंकों में आप देखिए हिंदी में नोटिस बोर्ड लगे रहते हैं, पंचायतों में लगे रहते हैं, ग्राम प्रधानों को इसके बारे में बताया जाता है कि वो लोगों तक इसकी जानकारी ले जाएं, हॉस्पिटल्स में भी लगा रहता है कि कैसे अपने इस तरह की सावधानियां बरतें। थानों में तो खास, थानों में और बैंकों में, दो जगहों पे तो इसकी जानकारी पूरी विधिवत लिखी हुई है, लेकिन अब ये ग्रामीणों को भी सोचना होगा, पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझना होगा कि वो पढ़े लिखें, कम से कम इतना पढ़े लिखें कि इन सारी चीज़ों को कर सकें। अभी तक ये होता था कि पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे, लेकिन अब ट्रांजेक्शन तो करेंगे ना, पैसे का लेन देन तो करेंगे ना, व्यापार करेंगे ना, फसल बेचेंगे, हर जगह आपको थोड़ा पढ़ा लिखा होने की जरूरत है। तो सबको पढ़ाई लिखाई पे बहुत देना ध्यान देना होगा, खासतौर से लड़कियों की पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। वाकई शिक्षा हमेशा जरूरी रही है, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि जागरूक भी होना जरूरी है। तो ओम प्रकाश जी और सुधीर मिश्रा जी आज हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बढ़िया जानकारी दी हम सभी को, तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये जानकारी मिली होगी। और इसी गीत के साथ अब मैं आपको छोड़ जाती हूँ, और इसी वादे के साथ कि फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अपनी दोस्त दिव्या को इजाजत, नमस्कार। अज...